अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं एलोवेरा लगाना सिखाऊंगा। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि एलोवेरा को घर में कैसे ग्रो किया जाए, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि गमले में जब भी हम एलोवेरा ग्रो करते हैं तो वो एलोवेरा प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाती। ये मैंने एक एलोवेरा का प्लांट हासिल कर लिया है एक जगह से, एक नर्सरी से मैंने छोटा सा प्लांट इसका लिया है। और ये मिट्टी, जब भी आपने इसकी मिट्टी बनानी है तो ये मैंने पत्तों की खाद ली है। ये देखें, इसमें पत्ते आपको नज़र भी आ रहे होंगे कि ये गले सड़े पत्ते हैं बस। तो मैंने नॉर्मल ये आप देखें कि मैंने तकरीबन 40-60 की रेशियो से मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ मिट्टी और पत्तों की खाद, क्योंकि इससे मिट्टी में इतनी जान पैदा हो जाएगी कि इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई खाद देनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है वो मिट्टी ही प्ले कर रही होती है, क्योंकि मिट्टी की वजह से ही आपके घर में जो आपका जो पौधा है वो ग्रो करता है। अगर आप मिट्टी अच्छी नहीं लेंगे, अगर आप सिंपल सादा सी मिट्टी से भी यूज़ करेंगे ना, तो वो मिट्टी सख्त हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो वो उससे ये होता है कि आपका पौधा जो है, पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती। अच्छी तरह से आपने इस मिट्टी को मिक्स करना, ये देखिए जैसे ही मिक्स होती है तो ये ना डार्क ब्राउन कलर या ब्लैकिश कलर इसका होना शुरू हो जाता है, और ये बहुत ही हेल्दी किस्म की मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। एक आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर आप लोगों ने निकाल देने हैं, क्योंकि एलोवेरा की मेडिकली बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लोग इसे घर में मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से ये लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं एलोवेरा के ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड करूं। तो ये मैंने फिर ये आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी। जब भी हम पॉट की बात करें तो पॉट आपने ऐसा लेना है, या मिट्टी का गमला, आप मिट्टी के गमले में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मिट्टी का गमला आपने ऐसा लेना है जिसके नीचे ड्रेनेज होल लाजमी हो, क्योंकि ये जो सुराख है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि एलोवेरा के अंदर पानी अगर ज़्यादा तादाद में जमा हो जाए, इसकी ज़्यादा क्वान्टिटी में जमा हो जाए और पानी नीचे से ना निकले, तो ये पौधा आपका मर जाता है। इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। अब ये देखें, बस मिट्टी इसमें डाल दी, आपके पास ये जो मिट्टी तैयार, मैंने जो मिट्टी तैयार की थी इसका कलर देखें आप, कि पहले मिट्टी का कलर वाइट था, अब इसको पत्तों की खाद मिक्स करने के बाद इसका कलर किस तरह का हो गया हुआ है। तो अब इसमें लगा देना है। असल में इसकी एलोवेरा जो है ना, ये सकुलेंट वैरायटी से बिलोंग करता है और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये आपने ध्यान में रखना है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, बस इसको हल्की सी ठंडक वाली जगह इसको पसंद है, कि हल्की सी जहाँ से मॉइस्चर जिस जगह पे हो, हल्की सी ठंड सी हो, किसी दरख्त के नीचे, वो इसको बहुत पसंद है, वहाँ पे ही एलोवेरा बहुत अच्छी चलती है। ये देखिए, एलोवेरा मैंने लगा दी है, इसकी अच्छी तरह एयर बबल निकाल देने हैं, इसको थोड़ा सा हिला के, ताकि इसके अंदर वो जब भी हम पानी डालेंगे, वरना वो सारी मिट्टी जो है ना वो बाहर निकल जानी है। ले जी, ये अब गमला एलोवेरा में लग के तैयार हो चुकी है। अब लास्ट आप है जी, लास्ट आप में हमने इसको पानी देना है, इसको अच्छी तरह एक दफ़ा पानी दे दें। अब अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने प्लांट रखना कहाँ है। ये मैं आपको ग्रीन नेट दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन नेट के नीचे ये मेरे काफ़ी सारे पौधे मैंने इकट्ठे रखे हुए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस हीट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गमले जब इकट्ठे पास पास रखे जाते हैं तो ये ठंडे होते हैं। तो मैंने पौधों के बीच में अपनी जो एलोवेरा का पौधा है ना, उसको पौधों के बीच में उन्हीं के साए के नीचे, एक ग्रीन नेट है, दूसरा पौधों का शेड है, उसके बीच में इसको रखा है, ताकि इसको थोड़ी सी ठंडक भी मिलती रहे, ये ठंडक थोड़ी पसंद करता है। तो आप ये देख लें कि कैसे मैंने पौधों के बीच में इसको एडजस्ट करके रख दिया हुआ है। ये इसकी लोकेशन है, और इसी लोकेशन में ये बड़ा परफेक्ट चलेगा, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा हीट एलोवेरा जो है ना, ये पसंद नहीं करती।
तो ले जी, ये मेरा जो प्लांट मैंने अब लगाया था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये देखें, ये इसका कितना खूबसूरत और कितना शानदार रिज़ल्ट आया। इसके लीव देखें, कितने हेल्दी किस्म के लीफ आए हैं, प्रॉपर जेल बनी हुई है इनके अंदर। अब ये प्लांट रेडी है कि आप इसको स्किन की कोई भी रेसिपी बनाएं, इसको किसी भी मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करें, तो ये मेरा प्लांट बिल्कुल अब रेडी है। अब ये रिज़ल्ट देखेंगे, इतना खूबसूरत रिज़ल्ट किस वजह से आया है कि इसकी जो लोकेशन थी वो बड़ी मैटर करती है, इसको पानी देना कैसा मैटर करता है। पानी इसको उस वक्त देना है जब इसके अंदर पानी ड्राई हो चुका हो, बहुत ज़्यादा पानी ये पसंद नहीं करती क्योंकि इसके पत्तों में पानी मौजूद होता है, तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ जो लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है, इसको बहुत ज़्यादा हीट से वे जलना शुरू कर जाते हैं, इसके पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी धूप चाहिए होती है, शेडी धूप मैंने इसको दी है, तो ये देखें कितना खूबसूरत रिज़ल्ट है, कितने खूबसूरत किस्म के ये पत्ते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक कर दें।